मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। आपका नाम? जी मेरा नाम मुंजिर सैयद है। मैं मक्तमपुरा AIMM का वार्ड प्रमुख हूं। यहां पर कल का जो हमारा प्रोटेस्ट था उसमें हमको वार्ड के जितने भी हमारे शहर प्रमुख की तरफ से और प्रदेश ऑफिस की तरफ से हमको ये आदेश था कि जितने भी वार्ड के प्रमुख हैं अपनी अपनी टीम को लेकर, जितने भी शहर के होद्देदार हैं, जितने भी प्रदेश के होद्देदार हैं, सब अपनी अपनी टीम को लेकर के आसूडिया पे 4 बजे हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और जहाँ पर हम एक साइनिंग कैंपेन चलाएँगे। और वो कैंपेन इस तरीके का था कि उस कपड़े को हम राष्ट्रपति साहब को भेजेंगे, कर्नाटक की सरकार को भेजेंगे, वहाँ के हाईकोर्ट में भेजना था में। लेकिन ये जो एक प्रोटेस्ट था वो हमारा संवैधानिक तरीके से जो हमारा हक है हम उस तरीके से करने वाले थे, लेकिन हमारे को ये प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाए। उसके लिए प्रशासन से जो बन पड़ा प्रशासन ने किया और मेरे मक्तमपुरा वार्ड के जितने भी हमारे यहाँ के साथी काउंसलर, प्रदेश के जितने भी होद्देदार हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे महामंत्री हैं, सहमंत्री हैं, जो भी हैं, सारे के सारे इस मामले से चिंतित थे कि आप अगर हमारी आस्ट्रेलिया की प्रदेश ऑफिस को देखेंगे तो हमको ऐसा लग रहा था कि एक पूरी के पूरी पुलिस छावनी में उसको बदल दिया गया था, ठीक है। और सुबह से यहाँ पे हम लोग कुछ काम में मसरूफ़ होने की वजह से हमने ऑफिस भी नहीं खोली थी। यहाँ भी काफ़ी पुलिस वाले आए, ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए, और हमारे लोगों के घरों पर भी इंक्वायरी हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े जोश के साथ हमारी मक्तमपुरा की बहनों ने, हमारे मक्तमपुरा के भाइयों ने, जो भी होद्देदार हैं, सब ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। सभी लोग वहाँ पर 4:15 बजे पहुँचे। मक्तमपुरा वार्ड से हमारे प्रदेश के 3 होद्देदार हैं, इमरान मंसूरी साहब और जुनैद भाई सैयद जो हमारे प्रदेश के उपप्रमुख हैं, और हारिस अंसारी साहब को रिटेन कर लिया गया था, और हमारे काउंसिलर सुहाना बहन मंसूरी को भी बुलाया गया था जवाब लिखाने के लिए वहाँ पर। तो ये सब दिक्कतें थी हमारे, हमको पता था सुबह से शहर से काफ़ी लोग डिटेन हो रहे हैं, काफ़ी होद्देदार प्रदेश के डिटेन हुए थे, कार्यकर्ता डिटेन हुए थे, जो लोग भी आस्ट्रेलिया पहुँचने की कोशिश कर रहे थे उन सब को पुलिस वालों ने डिटेन करने की कोशिश की। किसी को 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे घर से उठा लिया, किसी के घर में 7 बजे सुबह पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस प्रशासन ने हमसे ये जो हम जो किया वो उस तरीके की उम्मीद हमको ना पुलिस से थी ना हमको सरकार से थी, क्योंकि हम जो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे वो हमारा एक संवैधानिक हक था। उसमें जो साइनिंग कैंपेन था जो हमारे को राष्ट्रपति को पहुंचाना था, बस ये इतनी सी बात थी। लेकिन पता नहीं गुजरात की सरकार BJP की जो है वो डरी हुई है, या पुलिस प्रशासन को ऊपर से ऑर्डर था, या व्हाटएवर, जो भी दबाव में उन्होंने ये काम किया। तो इसके लिए मैं उनका मतलब बहुत ही इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ कि हमको अगर हमारे इस देश में, भारत देश में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके अगर प्रोटेस्ट करने के अंदर तकलीफ पड़ रही है गुजरात के अंदर, जहाँ आज हमारा जो PM है यहाँ के इंडिया के वो गुजरात के हैं, ठीक है, तो उन्हीं के PM के ही राज्य में, PM के ही जगह पर, जो यहाँ से लगभग उन्होंने 20-25 साल सरकार में राज किया, ठीक है, उसके बावजूद जो संवैधानिक तरीके से हमारे प्रोटेस्ट को रोका गया और हमारा गला दबाया गया, उसका मैं काफ़ी विरोध करता हूँ। एक और बात मैं ये रखना चाहूँगा प्रजा के सामने, हमारी पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने, कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यही रही है, विजलपुर विधानसभा, ठीक है, और वो यहीं के हैं। हमने काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त जब हम छोटे थे हम उनको देखा करते थे, ठीक है, वो इसी रोड पर अपना व्हीकल लेकर, स्कूटर लेकर फिरा करते थे। तो इस तरीके का मतलब माहौल, यानी ये उम्मीद नहीं थी कि संविधान को रोकने की बात की जाएगी, कि जो संवैधानिक तरीके से हमको प्रोटेस्ट करना है वो हमको नहीं किया जाएगा, तो वो बहुत दुख की बात है। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे और आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी ऐसा न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।